आई एम आशीष मिश्रा एंड टीचिंग मैथ्स ऑफ योर क्लास 7। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी एक्सरसाइज 6 भी चल रही थी, आज मैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ आपके साथ फिर प्रेजेंट हो रहा हूं। कह रहा है रवि एंड जॉन आर स्टैंडिंग 300 मीटर अपार्ट। रवि और जॉन के बीच की दूरी 300 मीटर यानी डिस्टेंस आपको 300 मीटर दी है, ठीक है। इफ दे रन टुवर्ड्स ईच अदर विद द स्पीड्स ऑफ 2 मीटर पर सेकंड एंड 1 मीटर पर सेकंड रेस्पेक्टिवली, हाउ मच टाइम। अगर वो दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ रहे हैं तो बेटा क्या हुआ, आमने सामने दौड़ रहे हैं यानी अपोजिट डायरेक्शन हुई, और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड आपकी क्या होगी, एड हो जाएगी, यानी 2+1 इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। कितनी आ जाएगी, 3 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे इस क्वेश्चन में उसने टाइम पूछा है तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस यहाँ पे 300 हो गई और स्पीड आपकी कितनी हो जाएगी बेटा, 3 हो जाएगी। 3 से कैंसिल किया, ये 100 आ गया यानी 100 सेकेंड। कितना बेटा, 100 सेकेंड यानी 1 मिनट 40 सेकेंड। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा। 3 में कह रहा है जगत एंड रमेश कैन रन एट अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकंड एंड 4 मीटर पर सेकंड रेस्पेक्टिवली, बोथ स्टार्ट एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम एंड रन इन द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन की बात हो गई तो बेटा क्या करेंगे, स्पीड को हम ऐड कर देंगे। तो स्पीड हो जाएगी 6+4 यानी 10 मीटर पर सेकंड हो गई बेटा। और 10 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदल लेंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 × 5, 5 × 2 = 10, 18 × 2 = 36 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ गई जब हमने इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दिया। अब एक घंटे के बाद यानी टाइम कितना है, 1 आवर, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, तो स्पीड इज इक्वल टू बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड यहां से आपकी 36 है, टाइम है 1, तो 36 बन जाए 36 किलोमीटर यानी एक घंटे के बाद 36 किलोमीटर की डिस्टेंस को वो ट्रैवल करेंगे। तो इसके आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, बाकी कल चर्चा करेंगे। थैंक यू।